मंदिरों का निर्माण एक ही रात में किया गया था। बहुत सारे मंदिर ऐसे थे जो कि निर्माणाधीन थे लेकिन उनका निर्माण नहीं हो पाया। यहाँ पे 30-40 साल पहले पूरा जंगल हुआ करता था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक नए वीडियो के साथ और मैं हूँ आज मध्य प्रदेश के अमरकंठे। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है जहाँ पर भगवान आदि शंकराचार्य ने सर्वप्रथम शिवलिंग की स्थापना की थी। मंदिर परिसर के जो चारों ओर नक्काशियाँ बनाई गई हैं वो भी बहुत अद्भुत है। ऐसा नहीं है कि मंदिर के सामने या मंदिर के अंदर ही केवल नक्काशियाँ बना दी जाएँ और बस काम समाप्त हो गया। अभी तो आप देख सकते हैं मंदिर के पिछले हिस्से में और शानदार नक्काशियों को बनाया गया है। तो मंदिरों को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से, बड़ी ही वैज्ञानिकता से और बड़े ही शानदार रोचक शैली से इनका निर्माण किया जाता था। काफ़ी देर से लगातार बारिश हो रही थी और बस अभी थोड़ी देर पहले ही सूर्य देव जी का भी दर्शन हुआ। ऊपर घने बादल हैं और थोड़ी देर के लिए सूर्य बादलों के बीच से बाहर दिखाई देते हैं और उसके बाद फिर बादलों की ओट में छिप जाते हैं। मंदिर के चारों ओर ये परिसर भी 1000 साल पहले ही निर्माण किया गया था, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह के पत्थरों से मंदिर का निर्माण हुआ है उसी तरह के पत्थरों से इस परिसर का भी निर्माण किया गया है। अमरकंटक प्रसिद्ध है हिल स्टेशन के लिए, लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं, लेकिन ये प्राचीन धरोहर भी आकर एक बार अवश्य देखनी चाहिए जो कि 1000 साल पहले निर्माण की गई थी और आज भी जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको बड़ी गर्व की अनुभूति होगी। अभी यहाँ पर कई मंदिर बाकी हैं जिनमें एक एक करके मैं जा रहा हूँ, तो चलते हैं अब अगले मंदिर में। इस पूरे परिसर में हमारे सामने बिल्कुल पातालेश्वर मंदिर है जहाँ भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है और यह जुहिला मंदिर है। इसके बाद हमारे सामने एक और विशाल मंदिर है जिसके अंदर चल के अब देखते हैं। तो इस मंदिर का नाम है केशव नारायण मंदिर जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है। 11वीं-12वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हालांकि बारिश का समय है जिसके कारण से इन स्तंभों पर निरंतर पानी बहता रहता है, जिसके कारण से यहाँ पे ये शैवाल जम गया है। तो चलकर मंदिर के अंदर के दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर कुछ छोटी छोटी खंडित प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं, हालांकि यह स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रही हैं कि ये किन देवी देवताओं की प्रतिमा है। और ये इस गेट की जो जालियां हैं ये बहुत ही घनी हैं जिसके कारण से मंदिर के अंदर देख पाना भी थोड़ा सा कठिन है। तो चल के अब यहाँ दूसरा एक द्वार है और इस द्वार के अंदर देखते हैं कि क्या है। अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है जिसे केशव नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ भी मैं आपको वही एक प्राचीन टेक्नोलॉजी दिखाना चाहूँगा। यहाँ के बड़ी बड़ी जो चट्टाने हैं इन्हें आपस में जोड़ने के लिए उसी तकनीक का प्रयोग किया गया है जो कि तकनीक आप रायसेन के 1000 साल पुराने किले और आशापुरी के लगभग 1100 साल पुराने मंदिरों में और लगभग 2300 साल पुराने सांची के स्तूप के परिसर में आप देख सकते हैं। ठीक इन्हीं तकनीक का प्रयोग करके इन पत्थरों को आपस में जोड़ा जाता था ताकि ये पत्थर अलग ना हों, इनकी पकड़ आपस में बड़ी मजबूत बनी रहे। मंदिर के चारों ओर घूमना भी बड़ा आनंददायक है क्योंकि जैसे नक्काशियां मंदिर के सामने के भाग में बनी होती हैं कई बार उससे भी सुंदर या उसी तरह की नक्काशियाँ
और बहुत सारी कलाकृतियां हमें मंदिरों के किनारे अथवा उनके पीछे देखने को मिलती हैं। ये मंदिरों का पूरा परिसर नीचे थोड़ी सी नीचे के भूभाग में स्थित है और यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊंचाई पर एक टीला स्थित है। यहाँ भी आगे कई प्राचीन मंदिरों के समूह हैं, तो चलकर आगे देखते हैं। मंदिर परिसर के बाहर पूरे अमरकंटक क्षेत्र में काफ़ी भीड़ है। सावन का महीना चल रहा है तो बहुत सारे कांवड़ वाले भी यहाँ पर नर्मदा का जल लेने के लिए आते हैं। और लेकिन यहाँ पर आप पूरे मंदिर परिसर में देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारे सामने अब और कुछ मंदिरों के समूह दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ तक चलकर इन मंदिरों को भी देखते हैं। मंदिर परिसर में सुंदर उद्यान है और यहाँ पर बैठने की भी बढ़िया व्यवस्था बनाई गई है। तो जो मंदिर का परिसर है उसकी देखभाल, उसका रख रखाव बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। तो ऐसी अवस्था में इन बने हुए सुंदर भव्य मंदिरों को देखकर बड़ी खुशी होती है कि इनका संरक्षण और इनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा रही है। तो ये पूरा जंगल था, इधर पूरा जंगल है, पूरा जंगल, इतना कुछ नहीं रहा था। तो सरकार ने बढ़िया देखभाल की है, यहाँ पे अच्छा बना दिया, यही मंदिर जो है ये पुराने। अच्छा, वो जो जैन मंदिर है उसके बगल में क्या है? वो वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ जैन मंदिर का, वो पूरा जैन मंदिर का परिसर है, पूरा जैन मंदिर का। मैंने इनसे बात की, उन्होंने बताया कि ये जो मंदिर थे इनमें से बहुत सारे मंदिर ऐसे थे जो कि निर्माणाधीन थे लेकिन उनका निर्माण नहीं हो पाया, और लगभग यहाँ पे 30-40 साल पहले पूरा जंगल हुआ करता था। इन मंदिरों की भी दशा बहुत बेकार हो गई थी। बाद में जब इसे ASI ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने नियंत्रण में लिया, उसके बाद इन मंदिरों को दोबारा से सुरक्षित किया गया, इन्हें साफ सुथरा किया गया और इस पूरे परिसर को सुंदर बनाया गया। यह जो है यहाँ पर भी एक मंदिर निर्माणाधीन था, हालांकि किन्हीं भी कारणों से इस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूसरे अन्य मंदिरों का निर्माण और उनकी आधारशिला तैयार की जाती थी, ठीक उसी तरह से यह मंदिर की आधारशिला यहाँ पर तैयार की गई थी। यहाँ पर भी एक छोटा कोई मंदिर बनाना था, लेकिन जो भी कारण रहे हों उस समय के, उसके कारण से इसका निर्माण अधूरा रह गया। हालांकि यहाँ के लोग ऐसा बताते हैं कि इन मंदिरों का निर्माण एक ही रात में किया गया था, जिसके कारण से कई मंदिर अधूरे रह गए। हालांकि इस कहानी के पीछे कितना सत्य है और कितना नहीं, यह एक अलग बात है, लेकिन यहाँ की मान्यताएं ऐसी हैं कि यहाँ के मंदिरों का निर्माण केवल एक रात के दौरान ही किया गया था। तो अब इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आप हमारे साथ बने रहिए इस यात्रा में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।